2024 का लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव हो, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी अपनी प्रतिष्ठा से झूठा खिलवाड़ नहीं करेगा। इस घटना को सच मानते हुए सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वीरों की धरती गाजीपुर से बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद यूपी की राजनीति भी बदलते मौसम के साथ गर्म होने लगी है। चाहे वो भाजपा हो या बसपा या फिर सपा, सभी पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर मतदाताओं का ध्यान अपनी को खींचने के लिए लग गए हैं। इसी दौरान नेताजी धरातल पर आकर पार्टी का प्रचार करे और विरोधी का विरोध कर कटाक्ष ना करे, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने ईवीएम को लेकर कहा कि जिन देशों में ईवीएम की शुरुआत हुई थी, जब वहाँ पर जनभावना को देखते हुए ईवीएम को बंद कर दिया गया, तो फिर भारत में ईवीएम का प्रयोग क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में भी चुनाव आयोग को चाहिए कि जनभावना की मांग पर ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि इंडिया में पेपर से चुनाव ज्यादा सही है। ईवीएम में गड़बड़ियों की आशंका भी बनी रहती है। अभी मैनपुरी लोकसभा में भी बैलेट पर चुनाव नहीं हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले जो आम चुनाव और उपचुनाव हुए, भाजपा के खिलाफ जनादेश गया। 2024 का लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव हो, इसलिए अब मतदाता अपने वोटों की रक्षा के लिए हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगा और भाजपा को धूल चटाएगा। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ता सम्मेलन MLC प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पढ़ा लिखा नौजवान इस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, जिनका गुस्सा अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करेगी। पढ़ा लिखा नौजवान ही सबसे ज्यादा इस सरकार में बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। पढ़े लिखे नौजवान ही इस मतदाता सूची में मतदाता होते हैं। स्नातक क्षेत्र के मतदाता पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, जिनको इस सरकार ने ठगा है, जिनकी नौकरी छीनी है, सरकारी विभागों को बेच करके हमेशा हमेशा से इनको नौकरी से बेदखल करने की सरकार ने नाकामयाब कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए और समाजवादी पार्टी को सिखाने के लिए काम करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी की विदाई का चुनाव होगा। उन्होंने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को लेकर कहा कि उन्हें कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, जनता ने उन्हें यौन शोषण के लिए नहीं चुना है, ब्रजभूषण को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है, खेल को बढ़ावा देने के लिए, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए, एथलीट को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि विनेश फोगाट के नेतृत्व में, विनेश फोगाट जो अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व ओलंपिक चैंपियन, कुश्ती की चैंपियन, और उसके साथ में तमाम महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का जो आरोप लगाया है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। यह सारी की सारी बेटियां आज अगर धरने पर बैठ करके यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई भी अपनी प्रतिष्ठा से झूठा खिलवाड़ नहीं करेगा। इस घटना को सच मानते हुए सरकार को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनावी हवा को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन अभी चुनाव होने में काफी वक्त है और इस चुनाव में कई उलटफेर और बदलाव भी देखने को मिलेंगे। बयानबाजी भी खूब होगी, जनता मतदान करेगी, फिर तय होगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।